प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के दादी कॉलोनी में। आपको बता दें, एक मोइन नाम के शख्स हैं जिनके पिताजी जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका नाम है गुलाम अहमद, और इनके सर में जो है किसी भी तरह का गांठ जो बन गया है। इनको प्रॉब्लम हो रही थी, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने पिता का जो है इलाज करा सके, और लॉकडाउन होने की वजह से जो है ये ठाकुरपाड़ा में जो है रहा करते थे, लेकिन इनका जो डिपॉजिट दिए थे वो डिपॉजिट ख़त्म हो गया, जिसके बाद इन्हें अपना वो घर भी छोड़ना पड़ा, और इस वजह से कि अपने पिता का इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। लेकिन उसी बीच में इनसे संपर्क हुआ लब्बैक फाउंडेशन से, और लब्बैक फाउंडेशन जो है इनके पिता के जो है इलाज के लिए वो आगे आई, और इन्हें कलवा के शिवाजी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। वहाँ पर क्या डॉक्टरों ने कहा है, और अभी ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लब्बैक फाउंडेशन की तरफ से जो है इनके पास रहने का घर नहीं था, तो उन्होंने इन्हें दादी कॉलोनी में जो है जिस घर में हम खड़े हैं ये घर जो है इन्हें भाड़े पर लेकर दिया हुआ है। लब्बैक फाउंडेशन के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख चौधरी है। Actually, अच्छा, क्या बताएंगे आप, जो कैसे मोइन भाई आपसे मिले और जो उनके पिता हैं ये बुजुर्ग हैं, क्या डॉक्टरों ने इनके बारे में क्या बताया था, और जो लॉकडाउन में इनका घर भी छूट गया तो आप लोगों ने शायद डिपॉजिट दिए हैं इस घर का रहने के लिए इनका बंदोबस्त क्या है, क्या है पूरा ये मोइन भाई? सबसे पहले तो इन्होंने थाने में हमारे से कॉन्टेक्ट करे, हमारे ऑफिस में आए, और आने के बाद इन्होंने बताया कि उनके अब्बा की तबीयत बेहद ख़राब है और उनको दिमाग में थोड़ा सा गांठ के जैसा कुछ हो गया है। तो तुरंत हम लोग ने फटाक से हमारी जो टीम ने इन्हें शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इनका वहाँ 2-3 दिन तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये मेडिसिन से इनका मसला हल हो सकता है। लेकिन मोइन भाई उसी दरमियान मोइन भाई ने ये बात भी बताया कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो डिपॉजिट था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जो लब्बैक फाउंडेशन की टीम है, हम लोग ने डिपॉजिट जमा किया उनके लिए, 20,000 रुपये का चेक उनको हैंड ओवर भी किया गया कल के दिन, और हमने उनको ये पूरा बात आश्वासन भी दिए कि तुम आप घर या डिपॉजिट पे लीजिए, आगे भी और भी जो जितना भी रेंट वगैरह हमारे पास जो भी कहीं से भी मदद होगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इनको कल जो है इनके पापा को डिस्चार्ज मिला, और आज ये मुमरा के दादी कॉलोनी के अंदर इनको रूम रेंट पे मिल भी गया है, और इनके हाथ में हमने डिपॉजिट दे भी चुके हैं। तो मैं और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं मुमरा के जितने भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो भी लोक प्रतिनिधि, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मोइन भाई और उनके पापा के ऊपर ध्यान दे। ये इशू थाने तक हमारे पास आया, हमसे जितना हो सका हमने उतना किया है, लेकिन अभी मुमरा के जो लोग सोशल एक्टिविस्ट काम करते, जो लोग लोगों की मदद के लिए हमेशा उतरते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मोइन भाई और उसके पापा की मदद करें, ताकि वो अपना खुद का घर भी ले सके और ये भी जो रेंट के मसले चल रहे हैं वो अफोर्ड कर सके, उनके अब्बा की तबीयत जल्द से जल्द भी ठीक हो जाए और उनके घर के जितने तमाम मसले वो खत्म हो जाए। मैं मुमरा के पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग आगे बढ़कर थोड़ी इनकी मदद कीजिए। लब्बैक फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह के, आप बता रहे 20,000 रुपये का चेक देकर ये रेंट पर दिलाया गया है, और भी इनके जो है मदद के लिए और आगे आएंगे? इंशाल्लाह जरूर आगे आएंगे। 20,000 की मदद तो हमने डिपॉजिट के लिए किए, मगर उससे पहले इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करा गया तो टाइम के MRI CT स्कैन के लिए हमको इनको जो जरूरत लगी वो टाइम पर हम लोग ने और 5,000 की भी मदद की है, और पूरी जो हालत है हाजिर है ऐसी मदद हम करते जाते, पूरी बात मोइन भाई को खुद मालूम है कि लब्बैक फाउंडेशन ने कौन से टाइम पे कौन से जगह पे मदद करी है। तो आगे भी उनको मदद लगेगी तो हम लोग करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह, और ऐसे और कितने लोग हैं उनको लिए भी हम मदद करते ही। अच्छा, जैसे अभी ये अकेले हैं और उनके पिताजी, तो खाने पीने का भी बंदोबस्त इनका है नहीं, तो इसके लिए क्या आप लोग कुछ अरेंजमेंट करें? उसके लिए हम लोग आए हैं, और शाहरुख भाई ने बात भी की कि हम राशन दिला सकते हैं, तो कोई बनाने वाला है तो ठीक, नहीं बनाने वाला तो हम रेडीमेड का भी बंदोबस्त करेंगे। राशन का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, राशन का भी जैसा भी घर का ही अरेंजमेंट डिपॉजिट का हुआ है उसी तरह राशन का भी। एक और एक NGO जो फॉलोअप इनका देख के जो इशू इनका हाईलाइट हो गया था मैंने वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि इनके राशन का जो भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने का जो भी राशन रहेगा इनके हाथ में हैंडओवर दे दिया जाएगा, ताकि इनको और इनके अब्बा के जो मसले हैं, और इंशाल्लाह ताला इनके जॉब जो है DDP का काम करते थे उसके लिए भी हमारा NGO उनके लिए जॉब ढूंढ रखे, ताकि इनकी रोलिंग चालू हो जाए, घर का रेंट के मसले भी हल हो जाए और जो भी मसले इनके तमाम मसले हल हो जाए। तो क्या कहेंगे आप, जो लब्बैक फाउंडेशन के अकबर भाई हैं इनके तरफ से जिस तरह से आपकी मदद की गई, तो क्या कहेंगे आप इसका? मेरा नाम मोइन अहमद शेख है,
मैं इतनी तकलीफ में था, परेशानी में था, मुझे इनका लबे फाउंडेशन का पता चला। मैं इनके ऑफिस में गया, मैंने इनको सब अपनी हकीकत बताया कि मेरा जो डिपॉजिट वगैरह ख़त्म हो गया, मेरे पास घर नहीं है और मेरे अब्बा का ऐसा ऐसा मसला है, इनको एडमिट करना हॉस्पिटल में। तो इन्होंने हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया और जो MRI है, टेस्ट वगैरह, जो भी खर्चा था वो पूरा लबैक फाउंडेशन ने मुझे मदद की है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ इस घर का डिपॉजिट वगैरह का भी उन्होंने ही किया है, जो चेक दिया मुझे कल 20,000 रुपये का, तो मैंने ये डिपॉजिट पे रूम लिया हूँ। अच्छा, आपके परिवार में सिर्फ आप और आपके पिता हैं या और परिवार के लोग है? परिवार कहाँ है? वो लोग आते नहीं आप लोग से मिलने? नहीं, वो मेरी 4 बहनें हैं जो मुंब्रा में ही रहती हैं। एक का नाम परवीन पठान है, दूसरे का अंजुम शेख है, तीसरे का नसरीन शेख है और चौथे का शाहीन शेख है। ये सब मुंब्रा में ही रहते हैं, जबकि इन्होंने जो इनका घर था, खुद का घर था मुंब्रा में, वो बेचे और सब लड़कियों को, मुझे सबको हिस्सा बराबर दिया। मगर अब जब इनकी ऐसी हालत है तो कोई भी करने को तैयार नहीं। तो आपने सुना जिस तरह से लबैक फाउंडेशन जो है इनके मदद के लिए आ गया ही, और जो गुलाम शेख है जो इन्हें कलवा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इनके सर का जो है ऑपरेशन नहीं किया। डॉक्टरों का कहना है कि इनका इलाज जो है वो दवा से ही ठीक हो जाएगा। बहरहाल अब जो है कहीं ना कहीं जो गुलाम शेख के जो बेटे हैं मोइन, उन वो राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि लबैक फाउंडेशन ने उनकी मदद की है और आगे और भी मदद करने का उन्हें आश्वासन दिया। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।